नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूँ साक्षी पांडे। वक्त हो गया है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार में स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। सीएम आज सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद सीएम धामी सीधा आस्था पथ के पास कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, जहां उन्होंने स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया, इस मौके पर साधु संतों के साथ खानपुर विधायक कुंवर प्रणव, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वामदेव जी महाराज, जिनका समाज के लिए, धर्म के लिए और भव्य, जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसको बनाने में और उसमें अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने लगाने का काम किया, ऐसे वो महान आत्मा थे और उनका स्मरण हमेशा रहे। आज संत समाज के द्वारा उनका यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और मोदी जी के रूप में सब साकार हो रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। मोदी जी के आने का भी कार्यक्रम बन रहा है, उत्तराखंड अमित शाह का भी कार्यक्रम आ गया है, प्रस्तावित है कार्यक्रम, जब पूरा हो जाएगा तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। नरेंद्र गिरी जी की मौत को लेकर जो इस तरह के हरिद्वार के लोगों का भी नंबर इस तरह के आ रहे हैं, देखिए कानून अपना काम करेगा, उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला के माजरी ग्रांट मंडल के बुल्लावाला इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। आपको बता दें कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुदूरवर्ती क्षेत्रों के आमजन की बात भी सुन रहे हैं। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मन की बात जो कार्यक्रम चलाया था, वो वास्तव में एक ऐसा कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे देश के दूर दराज के क्षेत्र जो उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन अपने मन की बात माननीय मोदी जी तक पहुंचा सकते हैं, वो अपने रेडियो के माध्यम से, अपने टीवी के माध्यम से, अनेक जो संचार व्यवस्थाएँ हैं उनके माध्यम से माननीय मोदी जी तक उनकी बात पहुँचती है और उनका संज्ञान भी लेते हैं। और अभी आपने पिछले दौरान देखा होगा कि उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र पिथौरागढ़ तक के व्यक्ति की उन्होंने बात मन की बात सुनी और उन्होंने उनका संज्ञान लेकर के उनका समाधान का प्रयास भी किया। इसी प्रकार से हमारे जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं जो माननीय मोदी जी तक अपनी बात नहीं कह सकते थे, आज वो अपने देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बात कहने तक, अपनी बात पहुंचाने के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए इस मन की बात के कार्यक्रम का बहुत ज़्यादा महत्व है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत बने मियांवाला फ्लाईओवर के निर्माण की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी आवास का घेराव करते हुए कूच किया, जहां उन्हें पुलिस द्वारा विधानसभा के पास ही रोक लिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आप कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो वर्तमान विधायक हैं डोईवाला के, उनके आवास पर प्रदर्शन किया और हमारी सीधे सीधे मांग है कि जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मियांवाला फ्लाईओवर, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएं हैं, वो फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है। उसने अपनी दोनों साइड से जो स्लैब्स हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राजनीति किए बगैर हम लगातार शासन प्रशासन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का जो है ट्रीटमेंट हो। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या समय रहते इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हम इस फ्लाईओवर के निर्माण एजेंसियों की सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। 100% इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें घोटाला हुआ है, तभी इतनी जल्दी, एक साल भी पूरा नहीं हुआ और ये फ्लाईओवर गिरने की कगार पर है। तो जल्द से जल्द इसका जो है पुनर्निर्माण का कार्य और इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि बड़ा हादसा टल सके।
देहरादून के डोईवाला में पूरे विश्व में भारत का ध्वज ऊंचा करने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में आज टीम वॉरियर्स उत्तराखंड के संयोजन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सौरभ थपलियाल वहां पर पहुंचे और युवाओं का उत्साह वर्धन किया। मैराथन दौड़ में लगभग 200 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें अंडर 16 में अंशुल चौहान ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष सौरभ थपलियाल ने आयोजन की वाहवाही की और कहा कि एक संदेश नशा बेचने वालों को के खिलाफ जाता है कि उत्तराखंड का युवा नशे की बजाय खेल को प्राथमिकता देना जानता है। साथ ही इस तरह के आयोजन के युवा नशे से दूर रहकर खेल की ओर प्रभावित होंगे। अभी पूरा देश ने, पूरे विश्व ने कोरोना काल को झेला है और कोरोना काल से भी हम निकल के बाहर आ ही रहे हैं। निश्चित तौर पे इन युवाओं ने आज इस क्षेत्र में दौड़ के पूरे इस क्षेत्र में, इस समाज में एक अलग सी जगाई है कि निश्चित तौर पे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेके एक अलग सी जगाई है। और युवाओं ने यहाँ पे मैराथन दौड़ के माध्यम से बड़ा अच्छा संदेश दिया है। हमारे बीच में काजल लोधी जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने कि नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य आज इन लोगों ने किया देंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आज युवा यहाँ पर दौड़ा है, उन्होंने अपना पसीना बहाया है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो कि नशे का जाल फैलाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अपने जो उनके जो ये कृत्य हैं, इससे उनको पीछे हटना पड़ेगा, उनको नशे का कारोबार बंद करना पड़ेगा। आज युवाओं ने ताल ठोक दी है। आज युवा जो हैं यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, आज उन्होंने 3 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे दौड़े हैं और निश्चित तौर पे क्षेत्र में एक नशे के खिलाफ उन्होंने एक वातावरण बनाया है। मैं बहुत बहुत इन युवाओं का साधुवाद रखता हूँ। आज हरिद्वार के बहादराबाद में स्थित हंस हॉस्पिटल में तब दहशत मच गई जब वहां एक खतरनाक अजगर मिला। आपको बता दें ये कोई पहली घटना नहीं है जब धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाके में किसी जंगली जानवर ने दस्तक दी है। हॉस्पिटल स्टाफ के DFO हरिद्वार नीरज शर्मा को अजगर के निकलने की सूचना दी और सूचना पाकर मौके पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया गया। जो अजगर रेस्क्यू किया गया है उसकी लंबाई करीब 15 फीट बताई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू किया जा रहा है। जोशीमठ प्रखंड के धौली गंगा घाटी में स्थित दूरस्थ गांव तोमला में लैंडस्लाइड के चलते ग्रामीणों की पेयजल लाइन टूट गई है और गांव में कई दिनों से जल संकट पैदा हो गया है। लोग मीलों पैदल चलकर रस्सियों के सहारे पीने का पानी ढोने के लिए मजबूर हो गए। प्यासे ग्रामीण मीलों पैदल चलते हुए जान जोखिम में डालकर किसी तरह रस्सी को ठीक करके टूटे पाइपलाइन से पीने का पानी ढोने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जल संस्थान से जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू कर पीने का पानी उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। पानी नहीं की कम चले गए पानी नहीं ता दो दो जरा पानी तोड़ो तो ताग हरियाणा ने पानी गोरन के खो ना मन के तब खोल जिए बोल गोरन के हम गोर तीसे गए तीन तीन चार दिन कद ली जाना बगड़ी ली जानी मोर सुरे ठट ली जोला तक रोना मात पानी लगोना ता इत धो को पानी हो ग्राम तोलवा में आजकल पानी की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपने देखा होगा जो हम वीडियो भी दिखाए हैं उसमें हम प्रॉप लगा के टेम्परेली व्यवस्था करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। भारी लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पे जो पाइपें थी वो पाइप सब टूट चुके हैं और आजकल जो समस्याएं हैं धाराएं सब सूख चुके हैं। जो घर में गाय बकरी है वो छिला तो पानी बवे देव दे हम 10-12 दिन बट लैंड टूट सब लांग नाव हाव सब खत्म हुई गा आकाश के खाना में पानी थोड़ा कोशिश के जाओ तुम सब लौड़न वो छिला और बुढ़िया जी में कसु दो रीग बाग दगड़े तगड़े तुम्हारे सुंगर लगे हैं दगड़े तुम्हारे रीग लगे हैं यू तो
पौड़ी में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सुव्यवस्थित आगमन के लिए पुलिस द्वारा एक सराहनीय पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत अब पुराने बस अड्डे से संचालित होने वाले कुछ मार्गों के वाहनों को देवप्रयाग रोड स्थित नए बस अड्डे से संचालित किया जाएगा। आपको बता दें यह व्यवस्था 27 सितंबर से शुरू की जा रही है, जो एक हफ्ते तक जारी रहेगी। इसके साथ ही नए बस अड्डे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बस अड्डे में मूलभूत पौड़ी द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पौड़ी में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है, किस तरह से नए बस अड्डे का भी संचालन होगा। यातायात को देखते हुए और क्षेत्र में जो जाम की समस्या पैदा होती है, उसे निजात देने के लिए जो है ट्रेवल्स के जो मालिक है उनकी मीटिंग ली गई थाने पे, साथ साथ क्षेत्रीय जनता का भी जो है हमने मीटिंग ली है, जिसमें जो सभी से सहमत ली गई है और सभी से इसमें एस का है, तो हम उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जिसे देखते हैं कि सुचारू रूप से जो है यातायात व्यवस्था को किया जाए। इससे कितना फायदा होगा सर, आम जनता को भी, पुलिस को भी और ट्रैवल्स वालों को भी? फायदा है कि जैसे पब्लिक आती जाती है तो सबको जो है इसमें जाम नहीं मिलेगा, लोग समय से अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे और किसी भी प्रकार कोई जो है नुकसान नहीं हो सकता किसी को। जो मीटिंग हुई हमारी फिर मोरे साथ में एक पौड़ी 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 में कि जो हमारे शहर जाने वाली गाड़ियाँ हैं इनके मुताबिक ट्रायल की वजह से बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी नए बस अड्डे में। अगर ट्रायल सफल रहा ये गाड़ियाँ वहाँ रहेंगी, अगर ट्रायल सफल रहा तो फिर गाड़ी पुरानी व्यवस्था में आने को हम शासन द्वारा बात करेंगे और जहाँ हमारे पुरानी पेड़ चले हो रहे वहीं से गाड़ी संचालन होगी। इससे लोगों को दिक्कत होगी या आप लोगों को? आम जनता को परेशानी होगी, साथ में मेरे वाहन स्वामी इनको परेशानी होगी, क्योंकि आजकल तो कोविड काल से आज तक हम भी परेशान खड़े हैं, क्योंकि मेरे पौड़ी जिले की गाड़ियों को शासन से प्रशासन से जब इतना पैसा यहाँ लग रहा बस अड्डे में तो फिर गाड़ियाँ क्यों भाग रही उसमें उस अड्डे में? और दुर्भाग्य है कि इतने साल से बस अड्डे नहीं बन पाए, एक है जब 5 बजे दो वहाँ पहुँच जाओ, आज कल से व्यवस्था लागू हो रही है और कल से सवारी यहाँ से गाड़ियाँ बैठेंगी 10 बजे यहाँ से देखिए नए बस जाने की वहाँ से अलग जाएगी और सबको किसी महिला के पास कोई सामान सामान है, किसी महिला के पास कोई सामान करेंगे बाजार में वो गाड़ी पकड़ जाए वहाँ जाने के लिए। काशीपुर के आईटीआई क्षेत्र में एक युवक के साथ लूट का मामला सामने आया है। बता दें बाइक सवार दो लुटेरों ने कोचिंग से घर वापस लौट रहे युवक को रोका और उसके साथ मारपीट की और युवक से पैसे और उसका फोन छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर मुकदमा दर्ज किया है और सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दिया है। आपको बता दें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पूरे मामले का खुलासा करते हुए लूट करने वाले दोनों व्यक्तियों को कुंडेश्वरी तराहे से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कुंडेश्वरी तराहे से गिरफ्तार हुए चोर और कोचिंग से घर लौट रहे युवक का वॉलेट से उसके पैसे निकाले और साथ ही साथ उसका फोन लेकर भाग गए, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर चोर को पकड़ लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कुंडेश्वरी तराहे से गिरफ्तार हुए हैं ये चोर और थाने अध्यक्ष विदत जोशी ने ये गुत्थी सुलझाई है। शिवालिक स्कूल के पास एक छात्र ट्यूशन पढ़ के आ रहा था साइकिल से और उसके साथ जो है 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उसको रोक करके उसका मोबाइल और पैसे छीन के उसके साथ मारपीट की। इस घटना के संबंध में उस छात्र ने जब अपने घर पे बताया तो उसके पिताजी ने 25 तारीख को आकर के इस संबंध में थाने पे मुकदमा कायम कराया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उस CCTV वगैरह चेक करके उसमें तलाश किया तो एक मोटरसाइकिल नंबर प्रकाश में आया, जिस नंबर पे तस्दीक करने पर पता लगा कि ये जो है ढकिया के किसी व्यक्ति के नाम मोटरसाइकिल है। उस पर पुलिस द्वारा वहाँ जा कर के जानकारी की गई, पता रसी सुराग रसी की, तो जो उस दिन उस मोटरसाइकिल पे जो व्यक्ति सवार थे उनकी जब मुखबिर के और एक दो आसपास के लोगों से पूछताछ पर जब पता लगा कि ये दोनों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इस घटना को अंजाम देते हैं। नैनीताल में निकले जुलूस के बाद आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा रखी थी और इस कार्यक्रम के दौरान नैनीताल निवासी सौम्या कांडपाल भी मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करना चाहती थी।
जनसभा संचालित हुई और वहां मौजूद सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। कर्नल कोठियाल के भाषण के बाद सभा संपन्न हुई, लेकिन सौम्या को बोलने का मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो भड़क गई। सौम्या ने कर्नल अजय कोठियाल के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की और इसके बाद पुलिस ने सौम्या को समझा बुझाकर मंच से दूर करने का प्रयास किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सौम्या ने कहा कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले अपना चेहरा दिखाती हैं और बाद में वादों से मुकर जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। तो आपको बता दें, सौम्या वहां पर मौजूद थी जब ये जनसभा चल रही थी और सौम्या बहुत ज़्यादा नाराज हो गई जब उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सौम्या परेशान घूम रही हैं, अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश कर रही हैं, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं, पर नाराज़गी उनकी सारी इस बात से थी कि किस तरह से अपनी विचार वो व्यक्त नहीं कर पाई। बाद में जब सौम्या ने मीडिया से बात करी तो साफ साफ सौम्या ने कहा कि जो पार्टियाँ हैं वो अपना दूसरा चेहरा चुनाव के पहले दिखाती हैं, और साथ ही सौम्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में भी दो शब्द कहे। तो आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, पूरा मामला आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 घंटे से रुकी, उन्होंने बोला अभी रैली आएगी फिर तुम बोल लेना। उसका सीधा साधा मतलब ये था कि बेटा अभी हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा कर रहे, उसके बाद दूसरे लोग आएंगे वो करेंगे। तो एक तरीके से मैनिपुलेट तो कर ही रहे थे ना वो। और उन्होंने एक जो सर था उन्होंने क्या बोला कि नरेंद्र मोदी यहाँ पे 10 अक्टूबर के टाइम पे आएंगे क्योंकि अगले साल हमारे राज्य में इलेक्शन है। तो भाई तुम भी तो उसी टाइम में आयो, वो प्रधानमंत्री है, देश के प्राइम मिनिस्टर है, और मैं ठोक के ये बात बोलती हूँ कि मेरा वोट हमेशा नरेंद्र मोदी जी को जाए। उन्होंने हम सबको देश प्रेम सिखाया है और अब उसी इंसान को ब्लेम कर रहे हो, हमारी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। वो अभी वहाँ गए, यूएस गए, इसलिए नहीं गए, घूमने फिरने नहीं गए, वो काम करने के लिए गए, और तुम उसी को गलत बोल रहे हो। तो उनका काम इंडिया को संभालना है, तुम लोगों का काम है स्टेट को संभालना। पहले कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, अब आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड का तो डेवलपमेंट किसी ने नहीं किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नैनीताल में जुलूस के बाद आम आदमी पार्टी ने एक जनसभा रखी थी और इसी कार्यक्रम के दौरान नैनीताल के निवासी हैं सौम्या कांडपाल, आपको बता दें, जिन्होंने मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करना चाहें पर उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो जनसभा संचालित हुई और वहाँ मौजूद सभी वक्ताओं ने अपनी बात रख ली, लेकिन सौम्या को मौका नहीं मिला, और कर्नल कोठियाल के भाषण के बाद ही सभा संपन्न हुई, लेकिन सौम्या को मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण वो भड़क गईं। सौम्या ने कर्नल अजय कोठियाल के सामने ही अपनी नाराज़गी व्यक्त करनी शुरू कर दी, और इसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने सौम्या को समझा बुझा कर किसी तरह से मंच से नीचे उतारने का प्रयास किया। और वहीं मीडिया से बात करते हुए सौम्या ने बताया कि राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव से पहले अपना चेहरा दिखाती हैं और बाद में वादों से मुकर जाती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा देश के बारे में सोचते हैं। तो ये सब बातें, ये तमाम बातें सौम्या ने मीडिया से बात करते वक्त बोली। आप देख सकते हैं साफ साफ किस तरह से सौम्या काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही हैं, साथ ही पुलिस उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मन से नीचे उतारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश के रेती क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जो रिश्तों को शर्मसार करके रख देगा। आपको बता दें कि एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मासूम बच्ची को इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भेज दिया गया है, जहां बच्ची की मेडिकल जांच के बाद उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। रायवाला थाना पुलिस ने नशे के 2 ऐसे सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो शराब और मादक पदार्थों की जगह नशीले इंजेक्शन सप्लाई करने का काम कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि नशे के सौदागरों से पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि 453 नशे के इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं और साथ ही दोनों आरोपी खुद भी नशे के इंजेक्शन लेने के आदी हैं। पूछताछ के बाद उन
सप्लायर्स तक पहुंचने की कोशिश करेगी पुलिस, जो नशे के सौदागरों को बड़े स्तर पर नशे के इंजेक्शन सप्लाई करने में मदद करते हैं। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी के मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को सेवा के सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत बुल्लावाला इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं ने भी रक्तदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। के कोविड के कारण लगातार रक्तदाताओं की संख्या में गिरावट हो रही है। आज के एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक मौत कल केवल इसी कारण हुई देहरादून में, कि समय पर रक्त की उपलब्धता नहीं हो पाई। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए और हमारे जो डोईवाला ग्रामीण है वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रक्तदान का यहाँ पर आज आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही पुण्य का काम किया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा समर्पण सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के अवसर पर आज बुल्लावाला राजकीय इंटर कॉलेज में माजरी ग्रांट मंडल की ओर से ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा है। अपना यहां पर रक्तदान करके किसी ना किसी के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी के मंडल की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के सेवा सप्ताह के रूप में इसे मनाया गया, और जिसके तहत बुल्लावाला इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। और साथ ही आपको बता दें, आप देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय युवाओं ने भी रक्तदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तो आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया इस चीज का शुभारंभ, किस तरह बुल्लावाला इंटर कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, किस तरह से आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां मौजूद रहे। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।